Now we are going to study the topic that is adding two digit numbers with carrying and this is short form. Okay? आपको पहले मैंने expanded form का addition कैसे करना है वो सिखाया था. Now you will study the short form. Okay? And this is of two digit numbers. Two digit numbers के होंगे और ये carry वाले numbers है. First one is done. So we will do question number 2 and see. Here we have two digit number that is 43 and this is 29. और ये वंस और टेंस के प्लेस के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं. नाउ लेट्स सी हाउ विल ऐड. ओके, 3 + 9 इज 12. 12 का 2 यहां लिखोगे और 1 कैरी कर दोगे. क्यों? क्योंकि 12 इस तरह लिखोगे आप, 1 एंड 2 इज 12. ओके, और जो ये 1 होता है इसको हम नहीं लिखते हैं यहां पर, इसको हम कैरी दे देते हैं और ये कैरी कहां जाएगा, ये इसे ही कहते हैं कैरी देना. ओके, टू डिजिट नंबर आता है जब भी ऐड करने पर, वन डिजिट आएगा तो एज इट इज लिखोगे, जब टू डिजिट नंबर आएगा तो इसका वंस डिजिट का जो नंबर यहां होगा और जो इस साइड का नंबर दैट इज टेंस डिजिट या लेफ्ट साइड का नंबर वो कैरी जाता है. ओके, सो ये 1 यहां पर कैरी हो गया. ठीक है, नाउ 4 + 2 = 6 होता है और 6 में आप ये कैरी नंबर ऐड करोगे. ठीक है, इस बार आपका 1 आया, कभी कभी 2, 3 जितना भी नंबर आता है उसको उसमें ऐड करते हैं. 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7. सो योर आंसर इज 72. सो 43 + 29 = 72. ओके, सो इस तरह से कैरी टू डिजिट नंबर्स का ऐड किया जाता है. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 34 मींस 34 + 58. 34 में आपको 58 को ऐड करना है. ओके, नाउ 4 + 8 = 12. 4 में ऐड 8 को ऐड करोगे तो 12 आएगा. अब 2 यहां लिखा जाएगा और 1 यहां पर हम कैरी कर देंगे. 5 + 3 = 8. 8 + 1 = 9. ओके, सो योर आंसर इज 34 + 58 = 92. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 + 39. अब क्या करेंगे, वंस के डिजिट को जैसे पहले करते वैसे ही ऐड करेंगे. 6 + 9 को ऐड करेंगे और आएगा 15. 5 यहां पर आ जाएगा, 15 होता है ना, और ये जो 1 है वो यहां पर कैरी हो जाएगा. ओके, 6 + 3 = 9. 9 + 1 = 10. ओके, जो यहां पर 1 वो कैरी हो गया ना, तो 6 + 9 = 15, 5 लिखा और इसका 1 जो यहां पर होता है वो यहां कैरी हो गया. 6 + 3 होता है 9. 9 + 1 = 10. ओके, और ये पूरा पूरा 10 आप यहां लिखेंगे, इसके बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है या फिर इस 1 को हटाएंगे नहीं, सिम पूरा पूरा 10 आप यहां पर लिखेंगे एंड योर आंसर इज 105. ओके, सो 66 + 39 = 105. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, 48 + 44. ओके, नाउ 8 और 4 वंस प्लेस में है तो 8 और 4 को हम ऐड करेंगे. सो 8 + 4 = 12. 2 यहां लिखा और इसका 1 कहां जाएगा, क्योंकि 1 और 2 होता है ना 12. 2 यहां पर लिखा और 1 कैरी हो गया. 4 + 4 = 8 + 1 = 9. सो योर आंसर इज 92. 48 + 44 = 92. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 + 38. 8 + 8 = 16. सो 16 होता है तो हमेशा ये जो नंबर होता है वो कैरी जाता है. सो यहां कैरी आ गया और ये 6 यहां पर रहेगा. कभी भी आप गलती से 16 का 1 नीचे ना लिख के 6 कैरी मत दे दीजिएगा. हमेशा याद रखिएगा वंस प्लेस का जो नंबर होता है वो ही यहां नीचे लिखा जाता है और जो ये टेंस प्लेस का नंबर होता है या फिर लेफ्ट साइड का नंबर जो होता है इस साइड, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं है ना यहां रहने के लिए, यहां लिखने के लिए. इस ये नंबर तो यहां रह सकता है. ओके, इसके बाद इसके एडिशन का नंबर आप कहाँ लिखेंगे, तो क्या करते हैं जो इसके साथ का नंबर होता है उसको हम कैरी दे देते हैं. एंड नाउ दिस 1 इज कैरी. 4 + 3 = 7 + 1 = 8. सो योर आंसर इज 86. 48 + 38 = 86. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 + 88. ओके, 36 + 88. सो व्हाट वी विल डू, ऐड 6 and 8. 6 + 8 = 14. 4 यहां लिखा, 14 का 1 यहां पर कैरी हो जाएगा. 8 + 3 = 11 and 1 = 12. ओके, एंड योर आंसर इज 36 + 88 = 124. नाउ 84 and 36, जिसमें 4 और 6 को एक साथ हम ऐड करेंगे. 4 + 6 = 10. 10 का 0 यहां लिखते हैं और जो 10 का 1 है
वो यहाँ पर कैरी जाएगा, 8 + 3 इज 11, + 1 12, और 12 जो है आपको वो पूरा पूरा यहाँ पर लिखना है. सो 84 + 36 इज 120. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से टू डिजिट नंबर का एडिशन विद कैरी, कैरी वाले एडिशन इसी तरह से होते हैं, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इस तरह से खुद से सॉल्व करेंगे.